दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिशूर केरला में हैं और त्रिशूर में हमें सबसे अच्छा सबसे सस्ता रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड के पास होटल में रूम कहाँ मिल सकता है, इसी वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड है त्रिशूर का, और यहाँ से जैसे ये गाड़ियाँ यहाँ बाहर निकलती हैं, ये बस स्टैंड का बाहर से व्यू है। और ये इधर बसें जाती हैं और इधर से ये बसें आती हैं। आप देखिए जैसे ये गाड़ी आई है अभी, और इधर ये आगे निकलती हैं, तो हमें इधर ही आगे बढ़ना है। आप देख लीजिए लोकेशन, यदि आप मेरे को पूरा फॉलो करते हैं वीडियो को तो आप होटल तक आराम से पहुंच सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। जैसे आप देखेंगे हम यहाँ से चल के आए, ये जो बसें आ रही हैं यहाँ से हम चल के आए हैं, तो ये सामने यदि आप देखेंगे तो इधर ये चौक बन जाता है जहाँ पे रेलवे स्टेशन से भी गाड़ियाँ रास्ता आता है। आइए आगे चलते हैं। जैसे हम इस चौक पर आ जाते हैं और हम इधर से चल के आए हैं, आप देखेंगे तो ये जैसे बसें आ रही हैं इधर से ही हम चल के आए हैं, और इधर ये रेलवे स्टेशन का है। ये देखिए आप त्रिशूर रेलवे स्टेशन, ये इधर से ये रेलवे स्टेशन से बाहर आने का रास्ता है, और ये यहाँ का व्यू आप देख लीजिए। यहाँ से इस चौक से हमें इस साइड में बढ़ना है, आप ये देखिए इस साइड में हमें बढ़ना है। आइए आगे चलते हैं। जैसे ही हम इस चौक से इधर को देखते हैं तो आप ये देखिए सामने ही बोर्ड भी दिख जाता है, बिल्कुल इस चौक के पास ही या रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास ही ये चंडी गेस्ट हाउस ये है। ये देखिए आप, ये पूरा बिल्डिंग जो बड़ा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये लॉज आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये हमारा गेस्ट हाउस आज का है। तो आइए और आगे चल के हम देखते हैं। तो ये हमारा आज का गेस्ट हाउस त्रिशूर में चंडी टूरिस्ट होम लॉज, और ये सामने का इसका व्यू है, और इधर से हम चल के आए हैं। ये पास में ये तीन रास्ता जो है बनता है। आइए अंदर चलते हैं और हम किसी मैनेजमेंट के आदमी से आपको बात कराते हैं, और साथ में आपको रूम का टूर भी आपको देता हूँ मैं। तो बने रहे पूरे वीडियो में, पूरा वीडियो आप देखें तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। आइए अंदर चलते हैं। आइए अंदर रिसेप्शन पर चलते हैं, आपको मैं किसी से बात करा देता हूँ। 25 ये मेरा रूम है। आइए मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। हमने होटल स्टाफ से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम बात नहीं करते हैं, लेकिन होटल अच्छा लगा मेरे को। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपका 400 रुपये से रूम शुरू हो जाता है, जिसमें अटैच बाथरूम नहीं होगा, जैसे इसमें अटैच है उसमें अटैच नहीं होगा, और ये अटैच है इसका 500 है टैक्स के साथ में। और ऐसे ही आप फैमिली के लिए भी यहाँ पर ले सकते हैं, डबल बेड भी ले सकते हैं, ग्रुप है तो ग्रुप भी आप यहाँ पर आके रुक सकते हैं, अलग अलग तरह की। ये मैंने आपके लिए रेट लिस्ट लगा दिया है, आप इस रेट लिस्ट से चेक कर सकते हैं क्या प्राइस में हमें रूम मिलने वाला है। ये यहाँ पर आते ही पहले बाथरूम है, और ये बेड यहाँ पर सिंगल बेड, और ये फैन लगा हुआ, टीवी लगा हुआ, ये कपड़े रखने के लिए, ये आपका सामान वगैरह रखने के लिए सामान है, नीचे ग्लास भी है, एक टेबल जैसा यहाँ बना हुआ है, कुर्सियाँ है, ये टेबल है, इधर भी स्टूल है, और ये बेड, और ये यहाँ लाइट का और आपका चार्जिंग का पॉइंट भी है, और ये बाथरूम अटैच बाथरूम, पूरा हिसाब किताब यहाँ का, साफ सुथरा क्लीनिंग है, सफाई है, अच्छा रूम है। तो मैं यहाँ पर रुका। यदि आपका भी कोई आने वाला हो या आप आने वाले हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं, आप अपने लोगों में इसको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।